साकिब चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये कैंप ऑरम की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है। यहाँ बहुत किस्म की स्पेशलिटी अभी चल रही है। यहाँ पे हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ पे आयुर्वेद से डॉक्टर्स हैं, और हमारे पे 3-4 स्पेशलिटी अभी चल रही है। सुबह से अभी तक हमें 200 से 300 पेशेंट्स देख लिए, और ये कैंप हम बहुत बहुत शुक्रगुजार आर्मी के ने ये ऑर्गेनाइज़ किया, और ये टाइम बाई टाइम ये कैंप करवाते रहते हैं। इससे ये होता है कि पेशेंट्स को भी फ़ायदा मिल जाता है, और आर्मी और पब्लिक का भी रिलेशन इससे बढ़ता है। और फिर से मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार करता हूँ आर्मी का। हाँ नसीर, माई फादर्स नेम इज़ नसीर अहमद नायक एंड आई एम फ्रॉम थर्ड बनिहाल। सर, यहाँ पे जो ये मेडिकल कैंप हुआ, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला, स्टूडेंट्स को मिला। यहाँ पे जो हमारे स्कूल में कम से कम 750 अप्रॉक्सीमेटली इतने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे लड़के हैं जो मतलब गरीब फैमिली से है, उन्होंने यहाँ पे उनने फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको जो भी मतलब किसी को किसी चीज़ में भी जो दर्द था उसने फ्री ऑफ कॉस्ट सब दवाई मिली। उसके बगैर यहाँ पे जो मतलब इस पंचायत के लोग हैं बानीहाल से लेकर नौगाम तक, सारों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाई मिली। आर्मी हमें हर एक चीज़ में सपोर्ट करती है, खेलने के रिलेटेड, पढ़ने के रिलेटेड, ये किसी भी चीज़ में हम इंडियन आर्मी हमारी हेल्प करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन आर्मी का। बाकी तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा नाम उमर सलाम है, मैं इसी टिटार हायर सेकेंडरी में पढ़ता हूँ, और इधर 700 बच्चे हैं, और मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने मतलब यहाँ फ्री मेडिसिन दी, फ्री चेकअप किया, तो बस नहीं इनका। मेरा नाम ताहा जावेद है, मैं क्लास 11 से हूँ, मेडिकल स्टूडेंट। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल थर्ड बनिहाल है, और मैं आर्मी वालों का शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेडिकल कैंप इधर पर लगाया है और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है और मेडिसिन फ्री में मिली है, इसलिए वेलकम है। जी जी सर, स्टूडेंट भी चेकअप कर रहा है और फ़ायदा बहुत मिल रहा है, इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम है ऐसा सलीम, मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 11 की मेडिकल। तो आज हम आर्मी आए हैं, तो स्कूल स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पर चेकअप कराया, गांव वाले भी आए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, बहुत सबों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा थैंक्स, और यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे आप देख भी सकते हैं, बहुत सबों ने चेकअप कराया, मेडिसिन भी, और अब तो सारे अभी भी चल रहा है यहाँ पर, लगभग 4-5 बजे तक एक कैंटीन चलेगी। तो बहुत थैंक्स हम करना चाहते हैं इंडियन आर्मी।